मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे बच्चे जिंदगी खराब हुए ऐसे उसके होनी चाहिए। मुझे तो लगता नहीं है मेरे बच्चे सही हो जाएंगे, लेकिन इसी तरीके से उसे भी करना चाहिए। जी मेरा नाम राजू है। कहाँ के रहने वाले हो? जी बल्लभगढ़ स्वास्थ्य कॉलोनी का रहने वाला हूँ। क्या है पूरा मामला, क्या वारदात है और कब ये हुआ? मैं शाम को 30 तारीख की रात के टाइम 9:30 बजे अपने घर जा रहा था, अपने फ्रेंड के घर से। तो रास्ते में निकलते टाइम हमारा जहाँ से गली का रास्ता जाता है लाल कोठी की तरफ से, तो वहाँ से कुछ लड़कों ने मुझे घेर लिया था, जिसमें से एक का नाम अजय, उसको मुंशी भी बोलते हैं, एक था रिंकू और एक था क्या कहते हैं छपरी बोलते हैं, उसका नाम अजय वो है अरुण है, और दो अन्य लड़के और थे। इन्होंने पहले तो मेरे से पैसे छीने, जो मेरे हाथ मेरे जेब में 5,000 रुपये रखे हुए थे वो छीने, और जैसे मैंने इनसे छूटने की कोशिश की है इधर उधर मतलब हाथ चलाए हैं, तो इन्होंने डंडे ले रखे थे, गोल गोल डंडे ले रखे थे, उनसे मारना स्टार्ट कर दिया मुझे, जिसके दौरान इन्होंने इतना मारा मुझे जिससे मेरा एक पैर दोनों हाथ फ्रैक्चर है। तो आप उन लोगों को जानते थे पहले से? हाँ जी, एक लड़का जो अजय नाम का लड़का, ये मेरी गली का ही है, और दो लड़के हैं कॉलोनी के ही हैं। ये बात कब की है? ये बात 30 तारीख की है, इसी 30 तारीख को। जी जी, पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? इससे पहले भी, हाँ 1 साल पहले हुआ था सर, सेम ऐसे ही। उस टाइम में मैं ATM से निकला था, तब इन्होंने घेरा था मुझे, पर उस टाइम मैं निकल के चला गया था, इनसे बच के भाग गया था उस टाइम पे। अब इन्होंने 1 साल बाद फिर दोबारा से यही काम किया है। नहीं, तो आपकी पहली बार जब कोई झगड़े की वारदात होने वाली थी, आपने कंप्लेंट की थी? जी जी कंप्लेंट की थी, पर उस टाइम भी केस बिल्कुल ही ऐसा कर दिया था कि जैसे कुछ है ही नहीं केस में। अभी आपने कंप्लेंट करी है? अभी कंप्लेंट की है, पर वही है, उसमें पुलिस वाले बोले कि जो 5,000 रुपये आपने लिखवाए हैं रिपोर्ट में उस वो कटवा दीजिए, तो हम उस रिपोर्ट को लेते हैं। ऐसा किससे बोला है? ऐसा भैया से बोला है, उत्कर्ष कुमार। मैं सुभाष कॉलोनी। ये आपके क्या लगते हैं? यार दोस्त, तो क्या हुआ था पूरा मामला, एक बार पूरी बताए जानकारी। 30 तारीख की रात को 9 से 10 के बीच में झगड़ा हुआ था इनका, जिसे लेके हम वहाँ भी ड्यूटी करी थी, तो आए थे दो पुलिस वाले, फोटो वोटो लेके चले गए। तो उस समय आप भी इनके साथ मौजूद थे? हाँ जी, मैं भी था। तो क्या कुछ हुआ उस समय? उस समय कुछ नहीं, फोटो ले गए थे, देख के चले गए थे, उसके बाद कोई कार्रवाई कुछ हुई नहीं। तो कंप्लेन करी है, तो पुलिस ने क्या बोला है? कुछ बोले, उधर से कोई जवाब ही नहीं आया। थाने गए थे? हाँ जी, थाने हम कल गए थे। कंप्लेंट दी थी? कंप्लेंट कल दी थी, तो लेने से मना कर दिया। कितने मना कर दिया? था बेदराम। कौन है बेदराम? जो भी हो नहीं है, लेकिन बेदराम के पास ही पड़ी थी कंप्लेंट, BT पे बेदराम था उस टाइम। अच्छा। तो बेदराम ने मना कर दी। बेदराम ने बोला कि इसमें 5,000 रुपये है, ये काट दो, लड़ाई झगड़े केस हम ले लेंगे, और बाकी लूटपाट का केस है तो किसी और को दे दो। तो आपने अभी तक कंप्लेंट नहीं ली उन्होंने? अब आज बुलाया था, तो आज हम जा रहे हैं, अब जोगिंदर से जो भी हो देखते हैं, लेते हैं क्या होता है। थाने के जो पुलिसकर्मी है तो उनसे बात करते हैं, उन्होंने उनसे आप जाएंगे, अब आज बात करेंगे, कल SHO हमें मिला नहीं था। मेरा नाम पार्वती है। क्या लगते हैं इनके? मम्मी। तो क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे बच्चे जिंदगी खराब हुए ऐसे उसके होनी चाहिए, जिसका नाम मुंशी है। एक ही बंदा है? नहीं, मुंशी और वो छपरी रिंकू, तीन है ये, दूसरा दोनों उनको नाम के ना पता मेरे को। पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से यही चाहती हूँ मैं, पुलिस हमारा कंप्लेंट नहीं लिया है। तो आज आप दोबारा वो कह रहे हैं कि 5,000 रुपया इसमें से काट दो, जो हमने एप्लीकेशन दिए जी, 5,000 रुपया काट दो, फिर हम ये तो जमा कर देंगे। क्यों काटने वो? हमने नहीं पूछा, हमें वहाँ बोलन कौन देता है? बोलन नहीं देता है ना, पहले भी मतलब ये केस पहले भी हो चुकी है, एक साल पहले जी, तब भी हमने, जब भी हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, पैसा इधर उधर लगा के हम बैठ गए बच्चे को इलाज करवा के। लेकिन अब के जिस हालत से तोड़ा है ना, मुझे तो लगता नहीं है मेरे बच्चे सही हो जाएंगे, लेकिन इसी तरीके से उसे भी करना चाहिए।